पंकज उधास एक प्रमुख भारतीय गजल गायक है जिन्हें उनके भावपूर्ण गायन के लिए प्रशंसा मिली है। उनका जन्म 17 मई 1951 को गुजरात भारत में हुआ था और उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में चिट्ठी आई है और आहिस्ता जैसे हिट्स के साथ पॉपुलैरिटी प्राप्त की। उधास की आवाज में वेलवेटी स्वर है जो गुजलों की कवितात्मक और भावनात्मक प्रकृति के साथ मेल खाता है। उनका पहला गजल एल्बम आहट 1980 में रिलीज हुआ था। इससे उन्हें सफलता मिली और 2011 तक उन्होंने 50 से अधिक एल्बम और 15 एल्बम रिलीज किए थे। 1986 में उन्हें फिल्म नाम में प्रदर्शन करने का एक मौका मिला जिससे उन्हें पहचान मिली। 1990 में उन्होंने फिल्म घायल के लिए लता मंगेशकर के साथ मेलोडियस ड्यूएट मैया तेरी कसम गाया जो बहुत पॉपुलर हुआ। 1994 में उन्होंने फिल्म मोहरा से ना कजरे की धार गाया जिसमें साधना सरगम भी शामिल थी और यह भी बहुत पॉपुलर हुआ। उन्होंने साजन, ये दिल्लगी, नाम और फिर तेरी कहानी याद आई जैसी फिल्मों में भी प्लेबैक सिंगर के रूप में काम किया और उनका एल्बम शगुफ्ता जो कि 1987 में म्यूजिक इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था, यह भारत में कॉम्पैक्ट डिस्क पर रिलीज होने वाला पहला एल्बम था। बाद में उधास ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आदाब आरज है जैसा टैलेंट हंट टेलीविजन प्रोग्राम शुरू किया। Pankaj Udhas died, aged 72, of a prolonged illness at Breach Candy Hospital in Mumbai on February 26, 2024.